नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। तो चलिए डियर, हम लोग देखते हैं कुछ नए टाइप का प्रोग्राम लेके आए हुए हैं आप लोगों के पास। हम तो अभी तक हम लोग एचटीएमएल पे बात कर रहे थे, तो आज हमारा पहला प्रोग्राम स्टार्ट होगा सीएसएस बेस पे। तो हम लोग बात करते हैं सीएसएस में हम लोग कैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लुक वगैरह देते हैं अपने वेब पेज में। आज हम उसी पर एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। तो आइए डियर, हम लोग बात करते हैं। तो हमारा वही मेथड होगा, पहले नोटपैड ओपन करते हैं, नोटपैड में हम लोग कोडिंग करना शुरू करते हैं। बाकी ये सारा कॉन्सेप्ट सबको पता ही था, बिल्कुल। एक बार हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और रिवाइज करते हुए नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब सीएसएस की कोडिंग को यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बताया भी था कि टॉप में हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको एस्टिमेट टैग लगाना है, और हमने एस्टिमेट टैग यहाँ पे लगा दिया। ओके, चलिए, एस्टिमेट टैग हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। हमारा एस्टिमेट टैग यहाँ पे टाइप हो गया। जैसे एस्टिमेट टैग हमने यहाँ पे टाइप किया, यदि आपको हेडर देना है तो हेडर दे सकते हो, टाइटल देना है टाइटल दे सकते हो, और नहीं देना है तो हमें जो भी कंटेंट लगाना है, मान लीजिए हमको क्या है, बॉडी टैग ओपन कर लेना है। बॉडी के अंदर हमको अपने स्टाइल टैग को भी डिफाइन कर लेना है। ओके, हमने बॉडी टैग यहाँ पे लगा दिया। बॉडी टैग लगाते ही हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई भी हेडिंग बनाना है तो हमने यहाँ पे H1 दे दिया, और H1 का मतलब हमारा हेडिंग है, और स्टाइल को डिफाइन करना है। H1 स्टाइल को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर हमने सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया, स्टाइल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया, स्टाइल हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। और स्टाइल में हमने सपोजेड कलर दे दिया, क्या दे दिया डियर, कलर दे दिया। और कलर हमारा किस टाइप का यहाँ पे होना चाहिए, कलर यहाँ पे हमारा ग्रीन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया, क्या दे दिया, ग्रीन कलर यहाँ पे दे दिया। ओके, हमने यहाँ पे ग्रीन कलर डिफाइन कर लिया। चलिए, अब इस H1 को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। क्या देना चाहते हैं, दिस इज हेडिंग। H1 क्या है, हमारे हेडिंग को डिफाइन करेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज हेडिंग, हमने यहाँ पे हेडिंग को टाइप कर दिया। ओके, चलिए ध्यान से देखते रहिए, जो चीज़ हम लोग कर चुके हैं वही काम करेंगे। This is a heading. Okay? चलिए, हमने यहाँ पे हेडिंग को डिफाइन कर लिया, ठीक है। H1 हमारा ओपन है, अब यहीं पे हम क्या करेंगे, H1 को क्लोज कर देंगे। चलो भाई, H1 हमारा क्लोज हो गया, H1 टैग हमारा क्लोज हो गया। जैसे क्लोज हुआ, अब क्या करेंगे, पैरा लगाना है, बिल्कुल आप P टैग डिफाइन कर लो, और P टैग में आप पैरा को डिफाइन कर लो। पी हमने यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया, STYLE स्टाइल, और स्टाइल में हमको क्या देना है, हमें कलर देना है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में कलर को हमने डिफाइन कर लिया। किसको हमने डिफाइन कर लिया, कलर को हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। कौन सा कलर रखना है, मान लो हमारा सपोज दैट ब्लू कलर रखना है, हमने यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया। चलिए, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमने डिफाइन किया ब्लू। ओके, चलिए, हमारे ब्लू कलर क्या था, ये डिफाइन हो गया भाई, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ब्लू कलर को हमने डिफाइन कर लिया। ओके, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ब्लू कलर जैसे हमने डिफाइन किया, अब यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया। बंद करके हमको क्या लिखना है, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। और पी टैग हमने यहाँ पे हम क्या किए, क्लोज कर दिया। ओके, पी टैग हमारा बंद हो गया। ओके, चलिए, पी टैग हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया यहाँ पे, बिल्कुल। अब क्या करना है, बॉडी ओपन है, बॉडी बंद कर दो भाई। चलो भाई, बॉडी ओपन, एचटीएमएल ओपन, एचटीएमएल हमने बंद कर दिया। ओके, चलिए, इस तरीके से मैंने सीएसएस का छोटा सा प्रोग्राम बनाया, और मैंने इसको क्या किया, सेव में जाके डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया। रन कराना है, मैंने आपको बताया ही था कि किसी भी नाम से। चलो, हमने राज डॉट एचटीएमएल से फाइल को सेव कर लिया, एचटीएमएल से फाइल को सेव कर लिया। ओके, चलो, फाइल सेव हो गई। तो डियर, इसको देखते हैं रन करा के सीएसएस में इसको हम लोग को क्या आउटपुट मिलता है।
लखी राज नाम की फाइल आ गई है, हमने इसको रन कराया और आउटपुट आप लोगों को ऐसा दिखेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो इस तरीके से आउटपुट को हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर लिया। ये देखिए, हमने यहाँ पे जो भी कुछ डिफाइन किया था वो चीज़ हमको दिख गया। ग्रीन कलर में हमने हेडिंग बनाया था और ब्लू कलर में हमने पैराग्राफ बनाया था, वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल गया। ओके, तो एक्स्ट्रा लुक एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए हमने क्या किया, CSS की कोडिंग, और कोडिंग में यहाँ पे हमने सारे स्टाइल को डिफाइन किया था जो कि आपके सामने है। ओके, चलिए हमारा पहला प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। ओके डियर।